तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। अभी बज रहे हैं सुबह के 7। पापा जी के लिए चाय बन रहा है। मैं चाय नहीं पीती। मैं आज से अपने आप से वादा की हूँ कि मैं अब सुबह उठ के चाय नहीं पीऊँगी। आज सिर्फ गर्म पानी, नींबू नींबू डाल के सिर्फ गर्म पानी पीने वाली हूँ एक गिलास। और पहले मैं कुछ एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद, क्योंकि मुझे भी अपना वेट थोड़ा कम करना है, एक्सरसाइज करके, गर्म पानी पी के और कुछ खाना, कुछ डाइट फॉलो करके। तो इसीलिए आज से मैं अपने आप में वादा की हूँ कि अपना वेट किसी भी हालत में कम करना है। उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा सा एक्सरसाइज करने। हॉट वाटर में आधा नींबू निचोड़ के, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स ये नींबू कहाँ से है? ये नींबू एकदम ताज़ा ताज़ा पेड़ का ही नींबू है। मेरी ननद है, ननद की एक फ्रेंड है, उनका शायद नींबू का बगीचा है। तो वही ननद ननद को वो दी थी, तो मेरी ननद यहाँ आके, मेरी मजरी ननद, 1 किलो नींबू हम लोग को दी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से सुबह मेरी इस तरह से शुरुआत होगी। आप लोग भी अपना सुबह इस तरह से शुरुआत करिए। सच में फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगता है। मैं बीच में मेरा छूट गया था, अब मुझे नहीं छोड़ना है। चलिए, तो आज सुबह सुबह का नाश्ता हमें बन रहा है काबली चना की सब्जी। फिलहाल अभी बज रही थी सुबह की 9, और 9 बजे तक मेरा नाश्ता कंप्लीट हो गया। नाश्ता मेरा बन चुका, अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो ये देखिए, काबली चना का छोला और गर्मा गर्म नान पराठा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नायरा मम्मा ब्लॉग में। और अभी देखती हूँ क्या हो रहा है। अभी तो फिलहाल मैं नहा कर आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अभी बच्चों को खिलाने। अब आगे क्या क्या होता है आप लोगों के साथ रहती हूँ। बाय बाय। फिर से एक बार मम्मी जी के सामने गुड मॉर्निंग। मम्मी गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग सास बहू नाश्ता कर रहे हैं। तो यही मम्मी नाश्ता कर रही है, नान पराठा और ये जो बनाए थे काबली चना और चाय। पर मैं तो जैसे आप लोगों को बताई कि सुबह की कि अभी मैं वेट लूज करने का ट्राई कर रही हूँ, तो इसीलिए नान मैं नहीं खा रही हूँ। मैं अपना अलग से आटा का सिंपल पराठा बनाई हूँ, तो फिलहाल मैं वही खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं नाश्ता करूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जहाँ इसको चलने बोलेंगे इसका नौटंकी शुरू हो जाता है। बोले नायरा चलो तो बस दादी से चिपक गई, चलो। चिपकेंगे ही। और आज हम लोग के खाने में क्या बन रहा है मम्मी? करेले का भुजिया, आलू का चोखा और आमड़ा पकोड़ी दे के खट्टा मीठा चटपटा एक चटनी के तरह। वो वाला जो आमड़ा और पकोड़ी मिक्स करके जो एक खट्टा मीठा चटनी के तरह जो होता है, वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मम्मी जी बनाने वाली है। नायरा प्लीज चल लो ना, पता नहीं कौन आया। देखें, दादी से प्यार, बेल बजने लगे, घंटा चलने बोलेंगे तो दादी से, माँ से सबसे प्यार आ जाएगा इसको। तो बात करते करते दूध भी आ गया है। देखिए, इसको बोलते हैं आमड़ा। हमारे यहाँ बंगाल में तो आमड़ा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? अगर आप लोग जो जो देश में हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मम्मी, आज आपके घर में आपका बेटा नहीं है कुछ दिन से, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा, खराब लग रहा है। आज आमड़ा के रेसिपी बन रहा तो और ही खराब लग रहा है। अच्छा, उनको बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है सर। सही बात है मम्मी, ये बात याद दिला दी कि उनको आमड़ा पकोड़ी देके वो चटपटा चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो देख ले। चलो ठीक है, बच्चे खाएंगे तो पापा को खुशी होगी ना, थोड़े ना कि ये होगा कि हाँ चलो हम नहीं है तो बन गया। बच्चे खाएंगे, बच्चे स्वाद ले लेकर चटकारा ले लेकर खाएंगे तो अच्छा लगेगा उनके पापा को। वहाँ पे सुन रहे हैं बहुत बारिश वारिश हो रही है गुजरात में। फ़ोन में ठीक से बात भी अभी नहीं हो पा रही है 1-2 दिन से।
बिजी बिजी बहुत इतना ज़्यादा बिजी रह रहे हैं कि ठीक से उनसे फ़ोन में बात भी नहीं हो पा रहा है, और फिर थक के वो सो जा रहे हैं। तो ठीक है, काम के साथ साथ उनका नींद भी ज़रूरी है, इसलिए मैं भी ज़्यादा कॉल कर करके मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो दो तीन दिन से ठीक से बात नहीं हो पा रही है। लो अभी इतना मेहनत से उसको जूता पहना है और मेरी बेटी को टॉयलेट आ गया। फ्रेंड्स, कल बच्चे चिकन खाए थे तो कल बच्चों को दूध नहीं दी थी, तो अभी बच्चों का दूध पीने का टाइम हो गया है। लो नायरा, ग्लास पकड़ो, संभल के। अरे मम्मी, इसका ठीक से एक्चुअली इसका थोड़ा सा हाथ में बैलेंस थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं इसे खुद से कुछ खाने थोड़ा कम ही देती हूँ। तो ये मेरा बेटा का कॉम्प्लेन डाल के दूध, अब पियो और अच्छा से अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ठीक है? हाँ, वीडियो में तो इतना शरीफ बन जाता है कि क्या बोलूँ। प्लेट छोड़ो, अब प्लेट को भी खाओगे क्या? पहले बादाम दे दे, तो फिर दूध दे दो। क्या मम्मी? बादाम फुला के रखे हैं ना, बादाम दे दे। हाँ ठीक है, दे रहे हैं। मम्मी नायरा सब गिरा दी, इसको बहुत अपने से हर चीज खाने पीने का शौक है, पर इसको कोई चीज का ढंग तो है नहीं। अच्छी तरह से बैठो। हाँ, पूरा हाथ में गिराइए, हाथ में छाली गिराइए, तो छाली को खा रही है पहले। लीजिए, आप पकड़िए। ले बाबू, लो पी लो, पिला दी। अब अच्छी तरह से बैठ गई है। अच्छा से पी लो, पियो। अब पी लोगी ना? चलो। तो अब मम्मी जी को, दोनों बच्चों को दूध दे चुकी हूँ, अब जा रही हूँ मैं लंच बनाने। मेरा तो हो गया। हाँ, वाह, वैभव फर्स्ट हो गया, गुड बॉय। तो ये फ्रेंड्स, ये चना दाल और मुसरी का दाल है, दोनों भिंगा के दो तीन घंटा के लिए भिंगा के इसको रख दिया जाता है, और फिर मिक्सर में इसको पीस दिया जाता है। पीसने के बाद हल्दी नमक लगा के इस तरह से तेल में छोटा छोटा करके पकौड़ा छान लिया जाता है। बहुत ज़्यादा तेल में नहीं, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा ही तेल में छोटा पकौड़ा छान लिया जाता है। कल का जब ये पक जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो इसको छान के निकाल लिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बन के मम्मी उतार दी। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चम्मच तेल, एक चुटकी पचफोरन, दो हरी मिर्च, एक छोटा छोटा आमड़ा को चार पीस में काटना है इस तरह से, इसको डाल देना है। इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ना, बस नमक। और ये आमड़ा अभी इतना कोची है, मतलब इतना अभी सॉफ्ट है कि फ्राई करते करते आधा गल जाता है। स्वाद अनुसार जैसे खाते हैं, जो जैसा नमक पसंद करते हैं लेना, हिसाब से नमक, लेकिन बहुत ज्यादा भी नमक नहीं देना है, क्योंकि इसमें मीठा भी पड़ता है ना। हाँ, जैसा परिमाण बनेगा। थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी, आधा कप पानी देके अच्छी तरह से चला के इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी के पास गुड़ है तो गुड़ डाल दीजिए, या चीनी है तो इसमें चीनी डाल दीजिए। आप लोग अपना जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से, जितना मीठा खाने के अनुसार। हाँ, तो ये बच्चों के लिए, और मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे पास था गुड़, तो हम लोग थोड़ा सा गुड़ दे दिए हैं। आपको जितना जैसा जिस तरह का चटपटा खाना है, आप उस हिसाब से गुड़ डालिएगा, पर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डालने से ही मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से गला लेना है, गुड़ भी गल जाए और आपका वो जो आंकड़ा है वो भी गल जाए, अच्छी तरह से दोनों मेल्ट हो जाए। फ्रेंड्स, पहले एक कप पानी 20 सेकंड के लिए बॉईल हो जाए, उसके बाद ये जो पकौड़ी है इसको ऊपर से डाल देना है। फ्रेंड्स, आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो पकौड़ी में प्याज है, पकौड़ी में कुछ भी नहीं है सिर्फ हल्दी नमक के अलावा। और अब ये मम्मी ऊपर से ये पकौड़ी को डाल चुकी है, अब ये अच्छी तरह से उबल जाए। बहुत ज़्यादा मत उबालिएगा कि पकौड़ी आपकी टूट जाए।
आप लोग जितना चाहें हरी मिर्च इसमें डाल सकते हैं। तो हम लोग को बच्चों को खिलाना है, हाँ हम लोग खुद भी खाएंगे पर बच्चों को भी खिलाना है, बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं इसलिए हम लोग हरी मिर्च थोड़ा कम देते हैं। अगर आप लोग बड़े लोग खाएंगे तो आप लोग घी खोल के हरी मिर्च डालिएगा जितना आप लोग बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि ये तीखा तीखा खट्टा मीठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीखी खट्टी मीठी आमड़ा पकौड़ी की चटनी तैयार है। सच में फ्रेंड्स, एक बार आप लोग घर पे ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और स्पेशली बच्चों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज मेरी नायरा अपने दादी के साथ लंच कर रही है। इसको सिर्फ खाने पे अच्छा अच्छा चीज़ चाहिए, चिकन पनीर बस। नायरा को सिर्फ अच्छा अच्छा खाना चाहिए, जैसे कि कुछ नॉन वेज हो या कुछ पनीर वनीर, मतलब इस टाइप का घर का घरेलू नॉर्मल खाना वो बिल्कुल खाना पसंद नहीं करती है। नायरा का क्या बात करूँ मैं, ये लाडो राजा का भी वही बात है, लेकिन हाँ कभी कभी मेरा बेटा एडजस्ट कर लेता है। पापा के रूम में बैठ के मोबाइल देख रही थी, छीन के ले आई तो इसका अलग दिमाग गर्म है, इसको भी पिटाई पड़ेगा। लगाऊं थप्पड़? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आराम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही सो के उठी तो सबके लिए चाय बनाई, खुद के लिए भी थोड़ा सा चाय बनाई कि पीऊँगी बोल के। चाय पीने के बाद इतना उल्टी लगने लगा, अजीब सा उल्टी लगने लगा कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं इतना उल्टी क्यों लग रहा है। हाँ, तो उसके बाद थोड़ा सा अजवाइन व नमक वाली अजवाइन खा के फिर पानी पी मैं। तो अभी थोड़ा खुले में आके यहाँ बैठी हूँ तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, मन तो कर रहा है कि बिना खाए बस यूं ही ऐसे ही सो जाऊं, लेकिन मम्मी जी पापा जी वैभव नायरा ये लोग के तो बनाना ही पड़ेगा खाना। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तड़का, तो जा रही हूँ बनाने। तो फ्रेंड्स, मेरी लाडो रानी अभी डिनर कर रही है तड़का रोटी। तो मम्मी जी को बोली कि मम्मी जी आप नायरा को प्लीज़ डिनर करवा दीजिए। तो नायरा जोर जोर से रोने लगी सुन के, बोले नहीं मम्मा मुझे आपसे ही खाना है। तो मैं फटाफट फिर रोटी वोटी बना के इसके पास आई खाना खिलाने के लिए। बहुत बदमाश से इसका मुंह इसलिए बना हुआ है कि इसको हाथ में चाहिए मोबाइल। तो मैं टीवी लगा दी हूँ कि बेटा टीवी देखो, तो नहीं मुझे टीवी नहीं देखना है, मोबाइल ही चाहिए। तो लेकिन मैं हद से ज़्यादा इसका मोबाइल का आदत नहीं लगाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं इसे इसी तरह से खिला रही हूँ टीवी दिखा दिखा के। तो मैं तड़का का वीडियो बनाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये रेसिपी ज़रूर दिख जाएगी। और नान की भी जो रेसिपी वीडियो है वो भी मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर लूँगी। और ये रही मेरी तड़का। तो फ्रेंड्स, तड़का देख के कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में मुझे कहें। और प्लीज़ पसंद आए मेरा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। और अभी से मैं बोल दे रही हूँ फ्रेंड्स, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, क्योंकि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो मैं वीडियो में सामने नहीं आना चाहती। तो चलिए, तो फ्रेंड्स बाय, गुड नाइट। आप लोग भी अच्छे से रहें और फिर सुबह मुलाकात होगी। बाय बाय।